हेलो माय डियर चिल्ड्रेन, आज हम आप सभी को जैसे कि पता है कि अभी पूरे भारत में लॉकडाउन चल रहा है और जिससे जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाई में काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो इस परेशानी को देखते हुए हमने निर्णय लिया है कि आप सभी को ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करूं। तो सबसे पहले हम क्लास 5 का मैथ स्टार्ट करना चाहते हैं। सबसे पहले आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि क्लास हाउ टू राइट रोमन नंबर्स, हाउ टू राइट रोमन नंबर्स। इसके कुछ रूल्स होते हैं जो आपको अभी हम बताने वाले हैं। जैसे वन को लिखा जाता है आई, और वन प्लस वन इज इक्वल टू टू होता है तो हम इसको डबल आई से लिखते हैं, इज इक्वल टू डबल आई। ऐसे ही वन प्लस वन इज इक्वल टू थ्री होता है, इसको हम लिख सकते हैं ट्रिपल आई। बट अगर बात करें हम वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन इज इक्वल टू फोर, तो फोर टाइम्स आई नहीं लिख सकते हैं, इसको इसका रूल्स अलग है। जैसे कि हमने ऊपर टेबल बना रखा है फाइव का भी होता है, जस्ट फाइव है, फाइव माइनस वन इज इक्वल टू फोर होता है, बस इसी को लिख देना है फाइव का भी, और उसके पहले उससे एक कम होता है फोर, तो उसके पहले हम आई लगा देंगे, फोर हो जाएगा। जस्ट ऐसे ही नाइन हो गया, तो नाइन टेन माइनस वन नाइन होता है, तो इसको भी लिखने के लिए टेन ये हो गया और उससे एक कम, यानी आई पहले लगा देंगे तो ये नाइन हो जाएगा। ओके, सॉरी एल के पहले हम एक्स लगा दिए तो ये हमारा फोर्टी हो गया, और ये हंड्रेड है, हंड्रेड का सी होता है, अगर नाइन्टी लिखना हो तो इसके पहले हम एक्स लगा देंगे तो ये हमारा नाइन्टी हो जाएगा। अगर हमें फोर्टी लिखते हैं, सॉरी फोर्टीन, तो टेन प्लस फोर, टेन प्लस फोर फोर्टीन होता है, तो इसके इसमें इस केस में क्या करेंगे कि एक्स के बाद फोर लगा देंगे। ठीक, अगर हम राइट साइड जाते हैं तो उसमें ऐड हो जाता है, अगर लेफ्ट साइड जाते हैं तो ये माइनस हो जाता है। अगर हमें लिखना हो, अगर हम 19 का लिखना चाहते हैं तो इसको पहले अलग अलग लिख देंगे, 10 प्लस 9 राइट, और 10 का हमें पता है x, उसके बाद x के साथ ऐड कर देंगे आई एक्स, नाइन का आई एक्स हो जाएगा तो ये 19 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह टेबल के अकॉर्डिंग आप पूरे जितना मर्जी उतना लिख सकते हैं। चलिए तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, चैप्टर टू का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट इन रोमन नोटेशन, रोमन में लिखना है इसको, सिंपल है, इसको टेन को एक्स लिखते हैं, कॉमा इलेवन है, इलेवन को एक्स आई लिखते हैं, अगला है फोर्टीन को हम लिख एक्स आई भी, ठीक है ना, ये सब तो प्रीवियस क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। आगे ये ट्वेंटी को डबल एक्स लिखते हैं, पता ही है, ट्वेंटी वन को डबल एक्स आई, ट्वेंटी सिक्स डबल एक्स भी आई, ट्वेंटी सिक्स। अगला क्वेश्चन है राइट इन रोमन नोटेशन, तो सिंपल है कि 50 टू 60 तक रोमन में राइट करना है। ओके, 50 को टेबल से भी हेल्प ले सकते हैं, 50 को क्या है
एल लिखेंगे, इसके बाद 51 एल आई 52 एल डबल आई 53 एल ट्रिपल आई 54 एल आई भी 56 एल भी सॉरी 55 ये एल भी हो गया। 56 को हम लिख सकते हैं एल भी आई 57 एल भी डबल आई हो गया 58 एल भी सॉरी एल भी ट्रिपल आई 59 एल आई एक्स और 60 एल एक्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फिलिंग विद सिंबल स्मॉलर इक्वल और ग्रेटर, जो अगर मान लीजिए कि 6 है और 5 है, अगर 6 ग्रेटर है तो इसके तरफ ये सिंबल ऐसे लगा सकते हैं। अगर ये 6 यहाँ हो 5 यहाँ हो तो इसके तरफ ऐसे सिंबल लगा सकते हैं। अगर 6 हो और 6 हो तो इक्वल का सिंबल लगाना है। ठीक, तो एल एक्स, एल एक्स का वैल्यू होता है 60 और एक्स एल इसका वैल्यू होता है 40। ठीक, तो इसमें जो है एल एक्स ग्रेटर है एक्स एल से। ओके, तो इसके तरफ ऐसे कर देना है, राइट। नेक्स्ट है एक्स सी और सी, तो एक्स सी 90 होता है और सी 100 होता है। तो सी 100 है, क्लियर है कि सी बड़ा होगा, तो इसके तरफ ऐसे कर देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका 4 के सेम एज 4 की तरह बनेगा। और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट नंबर इन रोमन नोटेशन। ठीक, रोमन नोटेशन को इसको ऐड है तो ऐड कर देना है, रोमन में ही ऐड करना है। 22 है प्लस 2 है, 22 रोमन में डबल एक्स डबल आई लिखते हैं। ठीक, इसके बाद है ये भी ऐड ही है, रोमन में ऐड करना है तो रोमन में ही लिखना है इसको। एक्स एल 40 प्लस 3 43 हो जाएगा, तो एक्स एल ट्रिपल आई। ओके, इसके बाद ये सब्ट्रैक्ट है, सब्ट्रैक्ट में क्या करना है, 22 है माइनस 20, 22 माइनस 22 बचेगा तो 2 डबल आई हो जाएगा। ठीक, रोमन में। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन है, ये इसको ये मल्टीप्लिकेशन है, इसको गुना करना है। ओके, तो 8 है इंटू 8 इंटू 7, 8 7 जा 56, तो 56 एल 50 और वी 5 ये 6, 56 हो गया। डिवाइड है, सी डिवाइड, सी को डिवाइड कितना से किया जाए ताकि कोसेंट एल आ जाए, तो एल 50 होता है और सी 100 होता है। यहाँ पे 2 फिल करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट सही हो जाएगा, तो इसको यहाँ पे डबल आई यानी 2 लिख देंगे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले इसको, अगर आपको रोमन में नहीं पता लग रहा हो तो साइड में हम इसको लिख सकते हैं। एक्स सी को यहाँ 90 लिखते हैं, एक्स भी को हम 15 लिखते हैं यानी 15 लिखते हैं, एक्स एल को 40 लिखते हैं 40 लिखते हैं, एक्स को 10 लिखते हैं और भी को 5 लिखते हैं और सी को 100 लिखते हैं। तो इसको बढ़ते क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले जो बढ़ते क्रम में होता क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में जो ग्रेटर होता है
उसको सबसे लास्ट में लिखा जाता है, स्मॉलर है उसको सबसे पहले लिखा जाता है। इसमें स्मॉलर 5 है तो 5 को लिख देंगे वी, उसके बाद हमारा 10 है तो 10 लिख देंगे एक्स, उसके बाद 15 है तो 15 को लिख देंगे एक्स भी, उसके बाद 40 है तो एक्स एल, उसके बाद ये 90 है तो एक्स सी, इसके बाद 100 है तो सी। ओके चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर जैसे हमने असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलर टू ग्रेटर किए हैं, वैसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर में ग्रेटर टू स्मॉलर करेंगे। जैसे कि ये आई एक्स यानी कि 9 है, 9 इसको अलग लिख लेते हैं 9, और ये 19 हो गया, इसके बाद एक्स एल ट्रिपल आई हो गया तो ये हमारा 43 हो गया, और एक्स सी डबल आई है ये 92 हो गया, एल ट्रिपल एक्स डबल आई है तो ये 82 हो गया। इसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा देना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन कर देते हैं, या फिर आंसर भी लिख सकते हैं। हमारा ये 92 है तो 92 सबसे ग्रेटर है तो इसको पहले लिख देंगे। 92 का रोमन में क्या होता है, एल एक्स सॉरी एक्स सी डबल आई, इसके बाद उससे थोड़ा स्मॉलर 82 है तो 82 को एक्स सॉरी एल ट्रिपल एक्स और 2, इसके आगे है उससे थोड़ा स्मॉलर 43 है, 43 एक्स एल ट्रिपल आई 43 हो गया, उसके बाद उससे स्मॉलर 19 है तो एक्स आई एक्स 19 हो गया, सबसे स्मॉलर जो है इसमें 9 है तो इसमें आई एक्स 9 हो गया। ओके तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच न्यूमरल इज करेक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। ये जो पेयर्स दिए हुए हैं नंबर्स का, रोमन नंबर्स का पेयर्स दिया हुआ है और इसमें कौन सा करेक्ट पेयर है उसको सेलेक्ट करके आंसर लिखना है। जैसे दो पेयर है यहाँ पे डबल एल और डबल एक्स, इसका जो है इसमें करेक्ट पेयर डबल एल कभी भी पॉसिबल नहीं है। ओके तो डबल एल ये रॉन्ग हो जाएगा, डबल एक्स ये करेक्ट पेयर है, इसको सेलेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन में है बी में, डबल भी डबल आई, तो डबल भी ये पॉसिबल नहीं है, डबल आई ये हमारा सही होगा आंसर, ये करेक्ट पेयर है। ओके सी नंबर, ट्रिपल एक्स ट्रिपल भी, तो ट्रिपल एक्स तो रोमन काउंटर रोमन काउंटिंग में होता है जबकि ट्रिपल भी पॉसिबल नहीं है तो ये करेक्ट पेयर ट्रिपल एक्स हो जाएगा। ओके नेक्स्ट डी, एक्स सी और 4 टाइम एक्स, तो 4 टाइम एक्स कहीं भी रोमन नंबर में नहीं है तो ये एक्स सी ये 90 होता है पॉसिबल है तो ये करेक्ट पेयर एक्स सी करेक्ट पेयर हो जाएगा। ई वी एल और वी एल एंड एल वी, वी एल इज नॉट पॉसिबल बट एल वी इज पॉसिबल इन रोमन काउंटिंग। ओके तो एल वी इज करेक्ट पेयर्स। नेक्स्ट है डबल एक्स सी एंड एक्स सी वी, डबल एक्स सी ये पॉसिबल नहीं है, एक्स सी भी ये पॉसिबल है, दिस इज करेक्ट पेयर।
एक्स सी बी। एक बार रिपीट कर देता हूँ, ये ऑप्शन ए का जो था इसमें डबल एल डबल एक्स इस पेयर का ये वाला ऑप्शन सही था, ये सही बी में डबल बी डबल आई, तो इस पेयर का ये सही था, इसको मैंने लिख दिया। इस सी का जो है ट्रिपल एक्स ट्रिपल बी, तो इसका ट्रिपल एक्स ये करेक्ट था, तो इसको मैंने लिख दिया, इस पेयर का ये सही है। नेक्स्ट एक्स सी फोर टाइम एक्स, तो ये सही है, इस पेयर का ये सही था, तो इसको मैंने लिख दिया, इस पेयर का ये सही है, तो इसको मैंने लिख दिया, और इस पेयर का ये सही है, तो इसको मैंने लिख दिया। ओके ओके थैंक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।